हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अ न्यू डीआईवाई वीडियो। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे सम रियली इजी एंड यूनिक फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉटल डेकोरेशन आइडियाज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट के लिए ऑफ कोर्स हमें पहली चीज ग्लास बॉटल लेनी है और उसके ऊपर हम जेसो अप्लाई करेंगे। जिसको अप्लाई करने से पेंटिंग के लिए एक अच्छा बेस मिल जाता है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। जिसको हमने स्पॉन्ज की हेल्प से अप्लाई किया है। सो जिसको का कोट ड्राई होने के बाद हम नेक्स्ट लेंगे डेकोपास सीट। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो एक पीस हमने कट कर लिया है और इसे हम ऐसे हाथों से ही साइड्स को ट्रिम कर लेंगे। नेक्स्ट हम लेंगे मॉड पॉज ग्लू और ग्लू की हेल्प से हम नैपकिन को बॉटल के ऊपर स्टिक कर लेंगे। अब जैसा डेकोपास में हम करते हैं, इसके ऊपर भी ग्लू का एक अच्छा सा लेयर अप्लाई कर लेंगे। एंड नेक्स्ट प्रोसेस में जो हमारा ये नैपकिन का कलर है, उसी से मिलते जुलते हमने ये एक्रेलिक कलर्स लिए हैं। ये पर्ल कलर हैं और इस तरह से हम जो बाकी का बचा हुआ वाइट पोर्शन है उसमें हम कलर फिल कर लेंगे। आप चाहो तो सिंपली एक कलर भी रख सकते हो, बट मैंने जो मेरा बुद्धा का कलर है उससे ये कलर्स मैच करने का ट्राई किया है। बॉटल पे जब आप कलर अप्लाई करते हो तो ट्राई करें कि स्पॉन्ज यूज करें। ब्रश के स्ट्रोक दिखने लगते हैं जिससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। अगर आप स्पॉन्ज यूज करेंगे तो उससे अच्छी फिनिशिंग आएगी। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही स्पॉन्ज आपको यूज करना है। आप नॉर्मल जो घर में स्पॉन्ज होते हैं उसमें से थोड़ा सा कट करके और उसे भी यूज कर सकते हैं। सो पेंटिंग हमने कंप्लीट कर ली है और ये कम्प्लीटली ड्राई भी हो चुका है। तो अब फिनिशिंग के लिए और इसे प्रिजर्व करने के लिए हम इसके ऊपर वार्निश का एक कोट अप्लाई करेंगे ताकि ये बाद में खराब ना हो। एंड दैट्स इट, हमारा ये बुद्धा बॉटल रेडी है। सो आई होप आपको ये DIY आइडिया पसंद आया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट बॉटल की तरफ। तो उसके लिए भी हमने सेम डेकोपास टेक्निक ही यूज किया है बट डिफरेंट वे में। सो अगेन हमने एक ग्लास बॉटल ली है और नेक्स्ट हम लेंगे थ्रेड। तो ग्लू की हेल्प से पूरे बॉटल को हमें थ्रेड से कवर कर लेना है। तो ये हमारा रेडी है। नेक्स्ट हमने डेकोपास नैपकिन लिया है और इसे कट करेंगे। मैं सिंपली ब्रश में थोड़ा पानी लगाकर और प्रिंट्स के साइड्स पे लगा रही हूँ और जस्ट साइड्स को रिमूव कर लेंगे। ऐसा करने से इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। ये जो मटेरियल हैं, डेकोपास नैपकिन, डेकोपास सीट, जेसो, वर्निश, ये सारे आपको इट्सी बिट्सी क्राफ्ट स्टोर में मिल जाते हैं। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। ये डेकोपास नैपकिन बहुत ही नाजुक होता है तो आपको थोड़ी सावधानी से इसे स्टिक करना होगा, नहीं तो ये फट सकता है। ऊपर से भी हम डेकोपास ग्लू का एक लेयर अप्लाई कर लेंगे। ओके, सो ये जो हमारा प्रिंट है इसका कलर आप देख सकते हो थोड़ा पेस्टल पिंक में है, इसलिए बाकी का बॉटल का कलर मैच करने के लिए हमने जो बाकी का वाइट एरिया है उसमें ये
पेस्टल पिंक कलर अप्लाई कर लिया है। एंड दैट्स इट, ये हमारा रेडी है। प्रिजर्व करने के लिए आप ऊपर से वार्निश का एक कोट जरूर अप्लाई करें। ये वार्निश आपको दो टाइप्स के मिलते हैं, एक ग्लॉसी फिनिश में और एक मैट फिनिश में। इस वाले बॉटल में हम मैट वाला वार्निश अप्लाई कर रहे हैं। सो ये था हमारा सेकेंड बॉटल यूजिंग डेकोपाज टेक्निक। थ्रेड का यूज़ करने से इसमें थोड़ा सा टेक्सचर आता है जो मुझे काफ़ी पसंद है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट बॉटल की तरफ। सो अगेन हमने एक ग्लास बॉटल लिया है और उसके साथ मैंने ये राउंड मिरर लिए हैं। एक्चुअली ये मिरर जैसे तो हैं बट रियल मिरर नहीं है, ये प्लास्टिक मिरर हैं। सो ग्लू की हेल्प से हमने पहले बॉटल पे मिरर को स्टिक कर लिया है। ये डिज़ाइन काफ़ी सिंपल है और बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मैंने भी फर्स्ट टाइम इस तरह का ट्राई किया है, बनने के बाद ये मुझे बहुत पसंद आया। सो नेक्स्ट, आगे की डिज़ाइनिंग के लिए हमने ये 3D कोन लिया है, फेबिक्रिल का 3D एम्ब्रॉयडरी कोन। इसमें एक्चुअली हमने कलर फिल किया हुआ है, आपको मैंने पहले भी ये टेक्निक बताया है। 3D कोन का स्टिकर रिमूव कर दिया है हमने और इसमें नॉर्मल वाइट एक्रेलिक कलर फिल कर लिया है। इससे डिज़ाइन करना काफ़ी इजी हो जाता है, कलर का फ्लो काफ़ी बेटर हो जाता है। ये जो बॉटल है, इस टाइप का बॉटल डेकोर वीडियो मैंने डिफरेंट डिज़ाइन के साथ में पहले भी शेयर किया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो डिज़ाइन को फिनिश करने के लिए ऊपर हमने ये थोड़े डॉट्स बना लिए हैं। एंड दैट्स इट, हमारा ये बॉटल रेडी है। आप देख सकते हो ये कितना प्यारा दिख रहा है। सो जो हमारा नेक्स्ट बॉटल है वो भी इसी से मिलता जुलता हुआ डिजाइन है, थोड़ा डिफरेंट है। ये मैंने इसको पहले से थोड़ा बहुत करके रखा हुआ है। ये बटरफ्लाई जो आप देख रहे हैं, इसे हम दूसरे साइड भी बनाएंगे। सो उसके लिए अगेन हमने वाइट 3D लाइनर लिया है। पहले बटरफ्लाई का आउटलाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हो सकता है आपको देखने में थोड़ा टफ लग रहा हो, बट ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप एक बार ट्राई करके देखो, ये आसानी से बन जाता है। और हमने येलो, रेड एंड ग्रीन कलर के 3D लाइनर लिए हैं और जो हमने बटरफ्लाई का आउटलाइन बनाया था उसके अंदर हमने कलर्स फिल कर लिया है। हाँ, प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग है बट बनने के बाद बहुत प्यारा दिखता है। तो सेम वे में हम आगे का डिजाइन भी कंटिन्यू कर लेंगे। एंड दैट्स इट, हमारी फोर्थ एंड लास्ट बॉटल भी रेडी है। सो
सो आई होप आपको आज के ये बॉटल डेकोर आइडियाज़ पसंद आए हों और आप इसमें से एक ना एक ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आप ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लें, मैं वहाँ ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, स्टोरी डालती हूँ, लाइफ रिलेटेड वीडियो रिलेटेड अपडेट आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।